तो कैसे आप सब? आई होप यू गाइस ऑल वेल। इस वीडियो में बॉलीवुड की कुछ न्यू अपडेट के बारे में हम बात करने वाले, जैसे ट्रेस लुइस, आप लोग जानते हैं ये सुपर डांसर में चार्ज रहे थे, तो उसका एक वीडियो रिसेंटली बहुत वायरल होने लगे और काफी कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ गया, उसके बारे में बोलने वाला हूँ। एंड रिया चक्रवर्ती को लेके एक बायोपिक बनाने वाले, हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर भी एक छोटा सा अपडेट सामने आया, वो भी शेयर करने वाला हूँ। एंड फाइनली कल ही में एक वीडियो में बताया था कि सैफ अली खान इस बार लीगल टीम बनाने वाले उसकी बेटी सारा अली को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों इस बार खबर आया कि उन्होंने कोई हेल्प नहीं करने वाले सारा के लिए। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसी पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर अपडेट, न्यू गॉसिप मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो भाई एक ही सब्सक्राइब दबाना है, दबा दो और सपोर्ट करते रहो चैनल को। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफ्लुएंस। इंडियन एक बहुत बड़ा रियलिटी शो इंडियन डांसर, ये काफी टाइम से चल रहा है। इस सीजन के पहले कुछ एपिसोड में दिखाई दिया था जार्ज कैशन में मलाइका अरोरा, लेकिन जब से मलाइका अरोरा टेस्टेड कोविड पॉजिटिव मिला तब से मलाइके के जगह में आ रहे नोरा फतेह। और आप लोगों को पता है कि नोरा फतेह कितना बड़ा फैन बेस है, तो जब से ज्वाइन किया फैन का क्रेज और भी बढ़ गया। लेकिन दोस्तों नोरा फतेह इस बार एक और एक कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ गया, वो रिसेंटली उस शो का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगे और वही से शुरुआत हुआ कंट्रोवर्सी, जहां पे ट्रेंस लुइंस और नोरा फतेह दोनों को ही ट्रोल होने लगे। सबसे ज्यादा ट्रोल होने लगे ट्रेंस लुइंस, वैसे उस वीडियो में क्या है आप खुद देख लीजिए। और ये वीडियो जब से सोशल मीडिया में वायरल होने लगे तब लोगों के पास से ट्रेंस को मिलने लगे काफी है, किसी ने बोलने भी लगे कि उसका आदत ही है ये सब करना, किसी ने ये भी बोल रहा है अभी ट्रेंस को जजमेंट पैनल से बाहर निकल देना चाहिए, लेकिन काफी लोग ये भी बोल रहे हैं ट्रेंस ऐसा नहीं क्या अचानक हाथ लग गया और उसकी वजह से ये हो गया, किसी ने ये भी बोल रहे कि जो कैमरा के एंगल है वो शायद गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो आपका क्या लगता है कि ट्रेंस ऐसी वहाँ पे हाथ दिया या अचानक वहाँ पे लग गया उसका हाथ, जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली खबर सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत का बायोग्राफी एक फिल्म बनने जा रहा है जो कि उसका मर्डर मिस्ट्री के ऊपर बेस करके बनाएगा, लेकिन अभी एक खबर सामने आया कि इस बार रिया चक्रवर्ती को भी बायोपिक बनने वाले। बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े डायरेक्टर ये सोच रहा है कि अभी लोगों के अंदर बस चल रहा है रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती, तो वही अगर इसके अंदर ही फिल्म बना जाए तो अच्छा ही होगा। ये खबर पहले सामने आया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद काफी बड़े बड़े न्यूज पेपर जैसे फिल्म फेयर, इंडियन टूडे जैसी बहुत बड़े बड़े न्यूज पेपर में सामने आया था। खबर ये भी आ रहा है जब से रिया चक्रवर्ती जेल में गया उसके बाद काफी सिंपैथी भी मिलने लगे, तो रिया को लेके काफी हाइप चल रहा है लोगों के अंदर, काफी डायरेक्टर ये सोच रहे कि फिल्म बनाने के लिए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ खबर ये भी सामने आया कि इस फिल्म का जो कहानी वो खुद रिया चक्रवर्ती लिखने वाले, हाँ जी दोस्तों, ये सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा हंसी आ गया कि अभी तो जेल में, जेल के अंदर जाके क्या लिखेगा, वेल आगे क्या होगा, अगर कोई खबर सामने आएगा तो मैं जरूर कवर करूंगा। चलिए अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। वेल आप लोगों को पता ही है कि श्रद्धा दीपिका राकुल प्रीत के जैसी सारा अली ड्रग्स मामले के अंदर है, जैसे सुशांत सिंह के साथ काफी टाइम उन्होंने बिताया था, उन्होंने ये भी बोला था कि रिलेशन में गया था, तो ये लेके चर्चा भी ज्यादा हो रहा है। पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सैफ अली खान इस बार लीगल टीम बनाने वाले उसकी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन इस बार एक खबर सामने आया टाइम्स ऑफ इंडिया के एक छोटा सा रिपोर्ट में, सैफ अली खान सारा अली खान कोई हेल्प नहीं करेगा। वेल उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि अमृता सिंह जो उसका एक्स वाइफ, उसको भी काफी बात कहा कि क्यों वो ड्रग्स पार्टी में भेजा गया था, ये सारी चीज उन्होंने बताया था उसकी एक्स वाइफ को। वेल आप लोगों को पता है कि अमृता सिंह बहुत अच्छी तरीके से सारा अली को देखभाल करते थे, तो इसकी वजह से सैफ अली और भी ज्यादा हाइपर हो गया था कि वो पहले से उन्होंने नजर नहीं डाला था। बिल खबर ये भी आ रहा है कि अगर सैफ अली खान इसमें हेल्प नहीं करेगा तो उसके ग्रैंड मदर जो कि शर्मिला ठाकुर, उन्होंने हेल्प करने वाले अवसारा के लिए। लेट्स सी और क्या क्या अपडेट आते हैं, अगर ये रिलेटेड भी कोई अपडेट सामने आएगा तो मैं जरूर बताते रहूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बगल में एक घंटा है वो भी बजा देना, क्योंकि आप जब भी फिल्म रिलेटेड कोई भी खबर लेके आऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बने रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए फिल्मी गाय। टेक केयर, बाय बाय।